करमा क्षेत्र में पानी टंकी के अंदर जा रहा है गंदा पानी। प्रदूषित जल पीने से बढ़ रही बीमारियां। बता दें कि प्रयागराज करमा क्षेत्र में भोला मोबाइल के दुकान के पास पाइपलाइन लीक है। सुरेंद्र प्रताप जेई की लापरवाही के कारण करमा बाजार के लोग पी रहे गंदा पानी। और पानी टंकी तो विभाग द्वारा जरूर लगाया गया है, लेकिन विभाग द्वारा पाइपलाइन का नहीं ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि पाइपलाइन लीक होने की वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहीं लोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि यह पाइपलाइन 2 महीने से लीक है और विभागीय अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है या लापरवाही कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इस तरह की अव्यवस्था होगी तो किस तरह स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचेगा और लोग बीमारियों से कैसे बच पाएंगे। अगर यह न्यूज़ समाचार अधिकारियों तक पहुंचे तो जल्द से जल्द पाइपलाइन को सही कराया जाए। करमा क्षेत्र के लोगों ने यह शिकायत न्यूज प्रेस विभाग के माध्यम से कराया है। अब देखना यह है कि कितना जल्दी पाइपलाइन ठीक करवाते हैं विभाग के लोग। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट।